बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरी तो आधा से ज़्यादा दिन उसको ऐसे सुलाने में ही लग जाता है। एक घंटा पकड़ के एग्जैक्टली एक घंटा टू 40 मिनट्स टू 60 मिनट लगेगा उसको सोने में, पर सोएगा कितना, 15 मिनट 20 मिनट बस, कभी कभी तो 5 मिनट में भी उठ जाएगा। बाप रे, आज जैसा किया, आज दो तीन बार सुलाया, 5 मिनट सुला के इधर आके काम के लिए, मतलब कुछ काम करना था, उसको पकड़ा, उठ गया। देखो देखो दिन ब दिन कितनी टकली होती जा रही है। भगवान, कितना सीरियसली, कितना, पहले भी बाल नहीं था, अभी तो और भी नहीं है, इतना बाल झड़ रहा है, इतना बाल झड़ रहा है, बाप रे, सीरियसली। फिफ्थ मंथ से उसका, जब भी फिफ्थ मंथ कंप्लीट हो गया उसके बाद से ही बाल झड़ना शुरू हो गया, अभी तक कम नहीं हुआ। पर फिर भी मैं कैल्शियम आयन सब कुछ सबका दवाई ले रही हूँ, पर फिर भी नहीं पता है। फिर मैंने अपने दो तीन दोस्तों लोगों से भी पूछा, माँ से भी पूछा, बोला कि हाँ ऐसा बाल झड़ता है इस पीरियड में तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक दोस्त ने बोला कि नहीं नहीं किसी का बात बिलीव मत कर, बाल झड़ना वगैरह कम नहीं होता, कंटिन्यू ही चलता है करके, अभी से प्रिकॉशन ले ले करके उसने मुझे वार्न किया है। आज मैंने ये पकौड़ा बनाया था, कैबेज और ऑनियन डाल के खा रहे हैं, और ये थोड़ा सा बच्चा है, इसमें अभी दो तीन बना लूंगी। जो सब्जी बनाया था ना वो बहुत ही ज्यादा तीखा बन गया था, बेचारा विवेक को ठीक से खा भी नहीं पाया। वैसे भी मैं इतना अच्छा कुक हूँ कि मेरा आधा से ज्यादा दिन मेरा बना हुआ खाना बेचारा नहीं खा सकता, पर फिर भी खा लेता है, कुछ बोलता नहीं है। पर आज ज्यादा सा ज्यादा नहीं, एक्चुअली मैंने ज्यादा कुछ डाला नहीं, नॉर्मली चिली डाला, पर वो चिली जो था वो थोड़ा ज्यादा स्पाइसी था, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा तीखा बन गया। बेचारा थोड़ा सा खा के ही छोड़ के चला गया। उठ गया, मैं किचन में काम कर रही थी, देखो
है हमारा किंग और किंग वाला कप। एक्चुअली ये किंग वाला कप टूट गया था, ये अभी से रिसेंटली खरीद के अभी दोबारा बनाया है, मतलब ये पैर बनाया है, अभी बस प्रिंस आना बाकी है। हमारा प्रिंस अभी 7 मंथ का है, मतलब 7 मंथ उसका चल रहा है, नवंबर 8 आने से, सॉरी गलत बोल रही हूँ, दिसंबर 8 आने से वो उसका 7 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पता है आप सब लोग उसे देखने के लिए वेट कर रहे हो, मैं भी एक अच्छा दिन के लिए वेट कर रही हूँ ताकि मैं उसको आप सबके सामने लेके आ सकूँ, आप सब मेरे फैमिली मेम्बर हो। जैसे कि उसका मुंडन होने वाला है उस दिन, मैंने सोचा कि लाइव आऊँगे, लाइव में उसका बड़ा मुंडन होने वाला है ऐसा मैंने सोचा है, पर सिचुएशन जैसा होगा उसके ऊपर बेस करके, अगर लाइव नहीं होगा तो कम से कम मैं नॉर्मल वीडियो बनाऊँगी, तभी आप सब लोग उसको नॉर्मली देख सकते हो। उससे पहले आई एम सॉरी मैं उसको रिवील नहीं कर रही हूँ, तो उसी दिन जाके उसका फेस, मतलब उसको आप सबके सामने लेके आने वाली हूँ। आज जो है ये बताऊँगी कि उसका नाम क्या है और किसने रखा और उस नाम के पीछे का कारण क्या है। हमारे प्रिंस का नाम है ध्रुव, DHRUV। ये नाम रखा है किंग ने, मतलब उसके पापा ने। एक्चुअली उसने 2-3 नाम डिसाइड किया था और उसमें से मुझे जो भी उसने बोला उसमें से मुझे ये वाला अच्छा लगा, उसको भी ये वाला अच्छा लगा, तो इसीलिए उसने ही ये वाला नाम डिसाइड किया है। और इसके पीछे एक रीज़न है, ध्रुव के राशि और नक्षत्र, मतलब बर्थ टाइम के मुताबिक जो राशि और नक्षत्र आते हैं उसके मुताबिक उसका नाम का जो पहला लेटर है वो DH से होना चाहिए था। तो ऐसे ही DH से शुरू होता हुआ 2-3 नाम उसने सिलेक्ट किया था, हाँ, तो उसमें से हम दोनों ने मिलके उसका ये वाला नाम ही डिसाइड किया है। और उसका कुंडली भी बनाया था, कुंडली के मुताबिक, मतलब जिन्होंने कुंडली बनाया था, मतलब जो एस्ट्रोलॉजर ने कुंडली बनाया था उन्होंने भी वो DH, मतलब दवा से उठिए उठिए उठिए, अरे बाहर गली में कोई बच्चा था जो रो रहा था, मैंने सोचा वो उठ गया, इधर से सुनाई दे रहा है, मैं भाग के जाके देखी वो सो रहा है आराम से, मैं ऐसे एंजाइटी में पूरा दिन रहती हूँ। क्या बोल रही थी, भूल गई, हाँ, जो एस्ट्रोलॉजर ने जो उसका कुंडली बनाया है उन्होंने भी ये वाला नाम बोला है, मतलब उन्होंने एक्चुअली बंगाली में ध बोला है और इंग्लिश में DH, इसीलिए हम लोगों ने ये वाला नाम डिसाइड किया है। जो ध्रुव, ध्रुव आता है वो ध्रुव स्टार से, जो ध्रुव तारा होता है वो उस स्टार के नाम के मुताबिक ये वाला नाम है। और एक माइथोलॉजिकली एक ये है वो ध्रुव, ये एक्चुअली विवेक अच्छे से बोल सकता है, एक्चुअली विवेक भी नहीं मम्मी अच्छे से बोल सकती है। अरे आजा हम पापा तो पहुंचा अब्बू कहते अब्बू